डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 नर एवं मादा युग्म कोशिका का विकास का अध्ययन करेंगे। देखिए, इससे पहले हम आवर्तबीजी पादप में जनन विकास की बात कर रहे थे, जिसमें हम कुछ टॉपिकों का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है, जो है लघु बीजाणुधानी की संरचना। देखिए, लघु बीजाणुधानी एक बेलनाकार संरचना है जो प्रत्येक परागकोष के दोनों सतहों पर होती है। अर्थात लघु बीजाणुधानी की संरचना में दो मुख्य भाग होते हैं, एक होती है परागकोष भित्ति और दूसरा होता है बीजाणु जनन कोशिकाएं। देखिए, हम सबसे पहले परागकोष भित्ति की बात करेंगे। हम डायग्राम में मैं परागकोष भित्ति को आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये परागकोष भित्ति है। देखिए, परागकोष भित्ति में एक प्रकार से चार स्तर होते हैं जो परिधि से केंद्र की ओर निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है। अर्थात जिसमें चार स्तर हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिडम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य त्वचा की। देखिए, बाह्य त्वचा क्या है? बाह्य त्वचा होती है जो परागकोष की सबसे बाहरी एक स्तरीय परत है, जो आप देख रहे हैं ये परागकोष की सबसे बाहरी एक स्त्री परत होती है। अर्थात इसकी कोशिकाएं होती हैं जो एक प्रकार से लंबाई में कम और चौड़ाई में अधिक होती हैं। अर्थात इसका मुख्य कार्य होता है परागकोष को सुरक्षा प्रदान करना, जो आप लघु बीजाणुधानी की संरचना में आप देख रहे हैं कि सबसे बाहर की ओर ये एपिडर्मिस है, जिसकी कोशिकाएं होती हैं जो लंबाई में कम होती हैं और चौड़ाई में क्या होती हैं, अधिक, जिसे बोलते हैं एपिडर्मिस। इसका मुख्य कार्य होता है परागकोष को सुरक्षा प्रदान करना। देखिए, परागकोष भित्ति का दूसरा भाग होता है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम होती है इसे एपिडर्मिस से ठीक नीचे, यह एंडोथीशियम। अर्थात यह एक स्त्री परत होती है, यह एक स्त्री परत होती है जिसकी कोशिकाओं की भित्ति में अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं जो आर्द्रता ग्रही होती हैं। अर्थात नमी को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं। तब वे यू आकार की होती हैं। जब परागकोष का स्फुटन होता है तो उस समय मुख्य रूप से एंडोथीशियम की भूमिका होती है। अर्थात जब परागकोष फटेगा उस समय मुख्य रूप से भूमिका निभाने वाली कौन सी परत होती है, एंडोथीशियम। ध्यान रखें, तो हम इसका आगे अध्ययन भी करेंगे, एक प्रश्न भी बनेगा कि परागकोष के स्फुटन की भूमिका को समझाइए, तो आपको एंडोथीशियम को ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर देना है। दूसरी लेयर आती है जिसे बोलेंगे मध्य परतें। देखिए, मध्य परतें होती हैं जो एक प्रकार से एंडोथीशियम और टेप्टम के बीच में एक से तीन स्तरीय परत होती है, जिससे मध्य परतें बोलते हैं, मिडिल लेयर, जिनकी कोशिकाओं की भित्तियाँ होती हैं, पतली होती हैं, अल्पजीवी होती हैं तथा वे पराग कणों के निर्माण से पूर्व ही नष्ट हो जाती हैं तथा नष्ट होकर बीजाणु जनन कोशिका को पोषण प्रदान करती हैं। तो ये है मिडिल लेयर जो एंडोथीशियम और टेप्टम के मध्य में स्थित होती है। उसके बाद में चौथी लेयर होती है जिसको हम बोलेंगे टेपिडम। देखिए, ये टेपिडम है, अर्थात यह परागकोष भित्ति की सबसे आंतरिक परत है। ये परागकोष भित्ति की सबसे आंतरिक परत है जिसके कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, सघन जीवद्रव होता है, स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है तथा इनका मुख्य कार्य होता है विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करना। इस वजह से इसे कहा जाता है पोषक स्तर परत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये टेपिडम है,
स्टेपटम के बारे में हम डिटेल में उल्लेख करेंगे, तो इससे पहले आप इस टोटल मैटर को आप नोट्स में उतार लीजिए, तो हम नेक्स्ट दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।